नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज अनिकेत आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यूज विथ यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 16 जनवरी 2019 दिन बुधवार। दोस्तों समय हो चुका है आज की ताजा खबरों का। आप सभी के बीच मैं हाजिर हूं युवराज अनिकेत ताजा खबरों को लेकर के। चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हम इस न्यूज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। YouTube चैनल न्यूज विद यूवी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों आज की सबसे पहली और विस्तृत खबर आपको बता दें कि 9000 वीवी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जहां दोस्तों प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नए सिरे से करीब 9000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में वीवी सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। आयोग के बन जाने से अब वीवी शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं बल्कि वीवी सेवा आयोग के जरिए होगी। वीवी सेवा आयोग में एक अध्यक्ष का पद होगा और अधिकतम 6 सदस्य बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव रैंक के रिटायर्ड या कार्यरत अधिकारी या किसी नामचीन शिक्षाविद को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्य कोई रिटायर्ड प्रचार बनाए जाएंगे जिनसे जिनके पास लगातार 5 साल का प्रचार पद का अनुभव होगा। आयोग के सचिव पूर्णकालिक होंगे और संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि मोटरसाइकिल और ऑटो की प्रदूषण जांच हुई मांगी। जी हां दोस्तों, राज्य में अब वाहनों की प्रदूषण जांच मांगी हो गई है। इसके लिए दोपहिया वाहनों को 50 रुपए की जगह 80 रुपए देने होंगे जबकि 3 पहिया वाहन को 80 रुपए की जगह 100 रुपए देने होंगे। हालांकि 4 पहिया वाहन की प्रदूषण जांच के लिए पहले की तरह 120 रुपए ही देने होंगे। अब सरकार किसी भी इच्छुक व्यक्ति को 15,000 के शुल्क पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की अनुमति देगी। राज्य प्रतिमंडल मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में बिहार टैक्सी एग्रीगेटर पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 74 में परिवर्तन कर नए शुल्क का निर्धारण किया गया है। इसमें सॉफ्टवेयर आधारित व्यवसायिक वाहन जिसमें ओला उबेर और कैब के अलावा मोटरसाइकिल जैसे सार्वजनिक वाहन को सस्ता से उपलब्ध कराना है। इनको पहली बार नियमों के दायरे में लाया गया है। राज्य में ओला जैसी एजेंसियों को 2 तरह के शुल्क देने होंगे, पहला परमिट शुल्क व दूसरा लाइसेंस शुल्क। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि चुनाव आयोग ने सिफारिश की कि वोटिंग के दिन अखबार में विज्ञापन पर लगे रोक। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की एक समिति ने मतदान के दिन अखबार में चुनावी विज्ञापन पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना होगा। मौजूदा व्यवस्था में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध के दायरे में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। समिति ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 में संशोधन कर प्रतिबंध के दायरे में प्रिंट मीडिया को भी शामिल करने की सिफारिश की है। इसे लागू किए जाने पर दल वोट के दिन अखबारों में चुनावी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि चंद्रमा पर बोए गए कपास के बीज हुए अंकुरित। जी हां दोस्तों, चांद पर भेजे गए चीन के रोवर पर कपास के बीज में अंकुरित होने के बाद पहली बार हमारी दुनिया से बाहर चांद पर कोई पौधा पनप रहा है। चोंकिंग वीवी के एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जारी तस्वीरों के मुताबिक चांग E4 के इस महीने चंद्रमा पर उतरने के बाद यह अंकुर एक कनस्तर के भीतर मौजूद जालीनुमा ढांचे से पनपा है। वैज्ञानिकों ने वायु, जल एवं मिट्टी युक्त 18 सेंटीमीटर का एक बाल्टीनुमा डिब्बा भेजा था। इसके भीतर कपास, आलू एवं सरसों प्रजाति के एक एक पौधे के बीज के साथ फ्रूट फ्लाई के अंडे एवं ईस्ट भेजे गए थे। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि भाजपा की रथ यात्रा पर लगी अस्थायी रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित भाजपा की रथ यात्रा पर मंगलवार को अस्थायी रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने भाजपा से कहा कि वह राज्य की ममता बनर्जी सरकार से समक्ष पुनरीक्षित प्रस्ताव देकर नए सिरे से मंजूरी मांगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई को गणतंत्र बचाओ यात्रा के तहत अपनी प्रस्तावित सार्वजनिक रैली और बैठकों को जारी रखने की इजाजत दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि प्रस्तावित रथ यात्रा के ब्यौरे और राज्य सरकार के 14 जनवरी 2019 के आदेश को देखकर हम नहीं कह सकते कि राज्य सरकार की ओर से व्यक्त की गई आशंकाएं पूरी तरह निराधार है। पीठ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है और आदेश में व्यक्त की गई आशंकाओं का समाधान याचिकाकर्ताओं को तार्किक तरीके से करना होगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने राज्य सरकार कि इस दलील पर गौर किया कि जनसभाएं और रैलियों के आयोजन पर उसे कोई एतराज नहीं है और उसने तो भाजपा के सिर्फ ऐसे आयोजन का ब्यौरा और कार्यक्रम मांगा था।
पीठ ने सरकार से कहा कि वह भाजपा के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर विचार करे तथा ऐसे करते वक्त संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता का ख्याल रखे। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि पछुआ हवा चलने से धूप में नहीं रही गर्माहट। या दोस्तों विगत दो दिन से शाम में ठंड में वृद्धि हो रही है, हालांकि पूरे दिन पछुआ हवा चलने के कारण धूप में गर्माहट नहीं दिखी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान कुहासा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक रहा, वही न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दोस्तों आपको अगली खबर बताते हैं कि कन्हैया व अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पर 19 जनवरी को विचार करेगी अदालत। दोस्तों दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयूएस के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में दायर आरोप पत्र पर विचार करने के लिए मंगलवार को 19 जनवरी की तारीख तय की। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि मार्च तक पटना को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए मिले 20 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल के प्रत्येक मंडल को इसके तहत आने वाले एक स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सूत्रों ने बताया कि सभी 68 मंडलों को अगले 2 महीनों के भीतर अपने पसंद के रेलवे स्टेशन को विकसित करने को कहा गया है। इसके बाद यह मॉडल स्टेशन अन्य स्टेशन को विकसित करने के रूप में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले महीनों में जिन स्टेशनों को विकसित किया जाना है उनमें लोनावाला, वाराणसी सिटी, पुणे, मथुरा, पटना, हावड़ा, इलाहाबाद, उदयपुर, बीकानेर, वारंगल, दिल्ली मेन, आंबला, रायपुर, अहमदाबाद और मैसूर शामिल है। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि शाही स्नान के साथ कुंभ मेला प्रारंभ। या दोस्तों पहले दिन 1.5 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। मकर संक्रांति पर अखाड़ों के नागा साधुओं के शाही स्नान के साथ ही कुंभ मेला मंगलवार से प्रारंभ हो गया। कड़कड़ाती ठंड में सुबह करीब 5:45 पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और पंचायती अटल अखाड़े के नागा साधु सन्यासी अपने लाभ लश्कर के साथ संगम पहुंचे और वहां डुबकी लगाई। सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने के बावजूद सुबह 7 बजे तक लाखों लोगों ने गंगा और संगम में स्नान किया। शाम तक यह आंकड़ा करीब 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दीपक को चेतावनी, कहा कड़े कदम उठाने में नहीं हिचकेंगे। या दोस्तों भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत शत्रुतापूर्ण कृत्यों के खिलाफ कड़े कदम उठाने में हिचकेगा नहीं। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके बल नियंत्रण रेखा पर दुश्मनों को करारा जवाब दे रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनरल रावत ने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा से लगने वाला पड़ोसी देश अब भी आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि कोहली के शतक, धोनी के अर्धशतक ने दिलाई टीम इंडिया को बड़ी जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। जी हां दोस्तों, भारत ने मंगलवार को यहां दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 1-1 से बराबर कर ली। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट पर 298 रन बनाए। जवाब में भारत ने 49.2 ओवर में 4 विकेट पर 299 रन बनाकर मैच जीत लिया। टीम इंडिया के लिए कप्तान विराट कोहली ने 104 रन की शतकीय पारी खेली, यह उनका 39वां शतक है। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 24वीं बार शतक लगाया। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 55 और दिनेश कार्तिक 25 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉन मॉस ने सबसे ज्यादा 131 रन बनाए। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 4 और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि पटना जंक्शन पर लगा 100 फुट ऊंचा तिरंगा। जी हां दोस्तों, पटना जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया और प्लेटफॉर्म 1 के पूर्वी छोर पर सेकेंड क्लास बोगी के यात्रियों के लिए एसी वेटिंग हॉल बनाया गया है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने तिरंगा झंडा फहराकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के कनॉट पैलेस में स्मारक राष्ट्रध्वज लहरा रहा है, जो देखकर गर्व महसूस होता है। हम भी बिहार में स्मारक राष्ट्रध्वज लगाने का सोच रहे थे, लेकिन हमारे सोचने से पहले ही दानापुर रेल मंडल के DRM ने क्रियान्वयन कर दिया, यह सराहनीय कदम है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज वीडियो। ऐसे ही न्यूज वीडियो आप तक रोज पहुंचती रहे तो हमारे न्यूज चैनल न्यूज विथ योबी को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने इस वीडियो में क्या गलती की, ताकि अगली वीडियो से मैं वैसी गलती ना कर सकूं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ विद यूबी। तब तक के लिए अलविदा।